हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एवरीबॉडी। आज के सेक्शन जो मार्केट में आपको देखने के लिए मिला उसके ऊपर एक रिव्यू लेंगे और मार्केट में क्या क्या हालत अभी है, सिचुएशन है, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जो मार्केट का जो सिचुएशन आप देखें तो आपको देखने के लिए मिला, इसमें हमें पता होना चाहिए रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ है और सपोर्ट का रेंज कहाँ पर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक इसके बारे में नहीं पता चलेगा तब तक हमें पूरे डिटेल्स मार्केट के बारे में पता नहीं चलेगा। तो देखिए, मार्केट कहाँ पर रुक रहा है। देखिए, मार्केट का ये जो रेंज है ये सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट है जिसके ऊपर आपको मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है, सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट। तो सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट में यहाँ से मार्केट अभी रुक रहा है, यानी ये रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है। इस रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर जाएगा तो 200-300 पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है 21,125, जिस लाइन के बारे में मैं हर टाइम पर बोल रहा हूँ। तो ये लाइन जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक के लिए 200-300 पॉइंट हमें मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये इतना रेजिस्टेंट पॉइंट है। तो ये रेजिस्टेंट पॉइंट अभी बन गया है जिसके ऊपर हमें देखना चाहिए क्या रेजिस्टेंट पॉइंट बन रहा है। ये रेजिस्टेंट पॉइंट बन चुका है, यहां से आ रहा है, यहां पर सपोर्ट है 19,594। लेकिन ये जो रेंज है यहां पर जो आपको इलेक्शन का जो ऊपर नीचे वोलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें आपको ये रेंज ऊपर जाएगा तो ठीक ठाक है, नीचे आएगा तो कहां पर है, छोटे टाइम फ्रेम के साथ हमें देखना चाहिए। यहां पर देख रहा है कितना नीचे आएगा किसी को पता नहीं, लेकिन अभी करेक्शन हमें नीड चाहिए। लेकिन इसके ऊपर रहता है तो 200-300 पॉइंट और भी हमें देख सकते हैं। तो 21,125 आपको दिखाई दे रहा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमें देखेंगे तो बैंक निफ्टी में सेम टू सेम रेंज आ रहा है, पूरा कंप्लीटली रेजिस्टेंट पॉइंट इसमें बनना है। तो ये रेजिस्टेंट पॉइंट अभी ब्रेक हो रहा है, देखिए इसको छुआ, नीचे आया, फिर से इस लेवल तक गया, तो ऊपर जा रहा है तो और भी ये 500 पॉइंट 600 पॉइंट चला जाएगा, यानी 48,000 के आसपास एक रेजिस्टेंट पॉइंट है। तो ये रेंज ब्रेक होने के बाद ये चलेगा, तो अभी कंफ्यूजन में है। तो ये रेंज ब्रेक हो रहा है तो आपको 1,000 पॉइंट देखने के लिए, यहां से आपको 700-800 पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज फिर से नीचे आ जाएगा। तो नीचे में आपको ये पॉइंट अभी बड़ा पॉइंट है, लेकिन नीचे में जितना करेक्शन आ रहा है उसको तो अलग तरीके से देखेंगे। तो ये आपको लेवल बन चुका है, लेकिन हमें कॉल के लिए देखना है तो क्या करना चाहिए ना, सिंपल हमें ग्लोबल मार्केट का डाटा को देखना चाहिए। ग्लोबल मार्केट देखिए, डाउ 23 पॉइंट नेगेटिव, फ्यूचर का डाटा नासदाक 39 पॉइंट आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, उसके साथ डैक्स छोटा सा आपको न्यूट्रल पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो सुबह सुबह चेक करना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्या हो रहा है आज का मार्केट का डिटेल्स। तो बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें जो डाटा फॉर्मेशन हुआ है उस डाटा को थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए, जो डाटा फॉर्मेशन हुआ है इस डाटा में मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये डाटा में आज पूरा क्या है ना, सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिल रहा था। तो आप देखिए, ये निफ्टी का सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिल रहा था। तो मैं आपको थोड़ा सा आईवी वैल्यू दिखाता हूँ, क्योंकि आईवी वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है ना, आईवी वैल्यू में आपको पता चलता है कि आप लो रिस्क में है या हाई रिस्क में है। तो देखिए, आज आईवी वैल्यू थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन निफ्टी में आईवी वैल्यू 11 हो गया है। आईवी वैल्यू जितना 10 के नीचे में रहेगा निफ्टी के लिए वो अच्छा है, उतना बेहतरीन है। तो देखिए, आईवी वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और ये न्यूट्रल पॉइंट पर है। ऐसे आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी का आईवी वैल्यू क्या है ना, आईवी वैल्यू बैंक निफ्टी का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, फिर भी 15.94 इन वेरी वेरी डेंजरियस लेवल पर है, यानी 8 से 10 के बीच में रहता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं। देखिए, यहाँ पर था मार्केट में 9.27, तो ये जो बढ़ा है आईवी वैल्यू, यहां से देखिए कितना मूवमेंट दिया नीचे से ऑफसाइड में, लेकिन आप ये हाई लेवल पर है तो यहाँ पर रिस्क बन जाता है। तो जितना आईवी वैल्यू नीचे रहेगा, यानी आप लो रिस्क में, हाई बन गया तो आपको हाई रिस्क में है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये निफ्टी और मैं आपको देखा रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं आपको टाइम नहीं होगा बताने के लिए। तो मार्केट में डाटा का एनालिसिस और भी थोड़ा सा हमें इजी करेंगे। तो देखिए, जो डाटा बना है उसमें जो ओपन इंटरेस्ट फॉर्मेशन हुआ है वो ओपन इंटरेस्ट को थोड़ा सा हम देखेंगे। तो ओपन इंटरेस्ट में जो डाटा फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो उसका कॉल एंड पुट का जो ओपन इंटरेस्ट जो बन रहा है उसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपको देखने के लिए आसान हो जाएगा लेवल। देखिए, ये ओपन इंटरेस्ट ओपन होने के साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें क्लिक करना पड़ेगा। देखिए, ये आ गया ओपन इंटरेस्ट। तो इसमें आपको जो वीकली डाटा जो फॉर्मेशन हुआ है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वीकली डाटा में क्या डाटा फॉर्मेशन हुआ है। तो देखिए, ये वीकली बेसिस का जो डाटा फॉर्मेशन हुआ है, इसमें आज का जो डाटा चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट डाटा फॉर्मेशन हुआ है, इस डाटा को देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा ये इंटरनेट के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए,
ये देखिए ये आ गया, और ये देखिए यहाँ पर 21,000 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है और यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है। सपोर्ट कहाँ पर 20,900 में, ये वाला आपको देखने के लिए मिल रहा था। बैंक निफ्टी में क्या है ना, इसमें जो है 47,500 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है और इसमें 47,000 में आपको एक सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये रेंज पर अभी मार्केट में दिखाई देगा 47,500 पर, और एक रैली आपको देखने के लिए मिलेगा 500 का रैली। तो इसमें हमें फोकस करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में रेंज है। बैंक निफ्टी में इतना रेंज है 47,000 to 47,500, और वो लेवल ब्रेक होगा तो 500 पॉइंट ये रेंज पर चलेगा, और निफ्टी आपको 100 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये रेंज पर आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो रेंज आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको क्या है ना फोकस करना चाहिए। तो निफ्टी में 100 पॉइंट के करीब करीब आपको मूवमेंट दिखाई देगा, रेंज बन रहा है, और इसमें आपको दिखाई 20,900 to 21,000 इसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट देखकर काम करना चाहिए। तो इसमें आपको देखना चाहिए, देखिए यहाँ पर आज जो काम हुआ, देखिए एडिशन हो रहा था, पुट राइटिंग एडिशन हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए ये लेवल ब्रेक यहाँ पर रुक रहा था मार्केट, तो इस लेवल को आपको ब्रेक हो रहा है तो मैक्सिमम इस लेवल तक जाएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो देखिए ये जो लेवल में आपको 20,100 100 to 100 125 इतना रेंज है, 135, और 135 के ऊपर क्लोज दे रहा है तो मैक्सिमम इस लेवल तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये लेवल को व्हाइट कलर लेवल को आने के लिए उसका दम होना चाहिए। तो आज क्या है ना, इसमें राइटिंग हो रहा था, पुट राइट था, और नीचे में काफी सपोर्ट आपको लेवल था, तो इसलिए इस रेंज पर आपको मार्केट स्टॉप हो गया, यानी लेवल के साथ इसमें कंसोलिडेट हुआ ये रेंज और ये रेंज। देखिए कितना टाइम ले रहा है, और इसमें एडिशन हो रहा था, तो इसलिए इस लेवल के ऊपर रहा था, तो आपको ये लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा। ये अभी के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस में 20,936 एक सपोर्ट बन गया है। ऐसे बैंक निफ्टी का हम देखेंगे, तो देखिए बैंक निफ्टी का जो लेवल है उसको भी हमें ऐसे देख लेते हैं, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम शायद है। तो बैंक निफ्टी का लेवल भी देखिए, बैंक निफ्टी का जो लेवल है, देखिए बैंक निफ्टी का आ गया है शायद, देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम, इसमें थोड़ा सा इंटरनेट के कारण ये ब्राउजर पॉइंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए छोड़िए, तो बैंक निफ्टी में भी ऐसे आपको देखना चाहिए कि कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट है, वही लेवल है जो लेवल मैंने आपको इसमें डिस्कशन किया इस स्ट्रक्चर में। तो देखिए बैंक निफ्टी में ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, वही लेवल में आपको वहां पर भी वही लेवल आएगा इसमें, तो ये लेवल भी आपको देखना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो ये वाला देखिए ये लेवल को ब्रेक होगा तो मैक्सिमम 0.5 to 600 जाएगा, इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा पॉइंट आ सकता है, तो बराबर का निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल बेसिस में काम कर रहा है। तो लेवल में मिल रहा है तो आपको बाइंग कीजिए, नीचे में करेक्शन आ रहा है तो बाइंग कीजिए। अपसाइड में मैक्सिमम आपके माइंड में रहना चाहिए 500 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी में, एंड निफ्टी में 100 to 200 पॉइंट मैक्सिमम अपसाइड में है तो जगह है, तो उससे ज्यादा हमें एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। तो नीचे में थोड़े छोटे छोटे टुकड़े में हमें काम करेंगे और देखेंगे, अदरवाइज मार्केट में थोड़ा सा आप देख कर काम करना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स में काफी मूवमेंट आ चुका है और इंडेक्स करेक्शन आने वाला है, और जो इंडेक्स मैनेजमेंट स्टॉक है उसमें आपको मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बेटर है कि मार्केट में लेवल ब्रेक हो रहा है तो शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए अपसाइड के लिए, लेकिन आपको अपसाइड में प्रेशर हो रहा है तो नीचे में आपको सपोर्ट लेवल पर आपको मार्केट देखने के लिए मिलेगा, और सपोर्ट थोड़ा छोटा होना चाहिए, यानी नीचे में 20,900 निफ्टी में और बैंक निफ्टी में लगभग आपको 47,000 46,800 900 लेवल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये निफ्टी का बराबर का अभी का लेवल है जिसको आप लेवल मानकर चलेंगे और देखेंगे तभी आपको सोच में आ जाएगा। तो ये था डिटेल्स आज के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी टारगेट बेसिस पे मैंने आपको लेवल दे दिया, उस लेवल के हिसाब से आपको देखिए काम कीजिए, ऐसे आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।